धूप हो गई है इसलिए आयान अपने साथ में हमेशा एक गमछा लेके चलता है ताकि स्कूटी में धूप ना लगे, मतलब कॉटन का दुपट्टा है। बैठो ऊपर से बैठ जाऊंगी। तो हम आए हैं अभी लाइफ स्टाइल पे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे थे अच्छा कलेक्शन है, मेरे ऑफिस के भी काफ़ी लोग इधर ही आते हैं लेने, लेकिन जब मैं लेने आती हूँ तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है। बहुत ढूंढती हूँ, थक जाती हूँ देखते देखते, लेकिन मेरे को कुछ पसंद नहीं आता है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो शॉपिंग करने आते हैं, थक जाते हैं लेकिन पसंद नहीं आ पाता है। फिर सोचते हैं बाहर में जाए नहीं करती है शॉपिंग। ग्रीन वाला ठीक है। जहाँ से सीधा देख रहा था वो सीधा नहीं, उल्टा है। फ्रंट कौन सा है, कौन सा फ्रंट है? ये फ्रंट है तो बैक साइड दिखाओ जरा इसका एक बार। इसमें और कलर नहीं है, ब्लैक और ग्रीन के अलावा और कोई डार्क कलर नहीं है। और ये जो मैंने पिंक सा ये पहना है, ये इनको बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं कभी कपड़े ही ना खरीदूं ज़िंदगी में। तो मैंने काफ़ी ट्राई किए, उसमें से कुछ ही पसंद आए थे मुझे, क्योंकि जो वेस्टर्न वाले थे उनमें बहुत बड़े बड़े गले थे और वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे मुझे ज़्यादा। फिर यहाँ पर बाटा के में आई हूँ, थोड़ा सा मैंने सिंपल टाइप की सैंडल देखी है। उसके बाद थकार के घर पहुंचे तो रास्ते से ही समोसे ले लिए थे, क्योंकि मूंग दाल के चीला खा के हम गए थे, तो मैंने कहा चलो अभी चाय समोसे हो जाएंगे, रात में देखते हैं क्या करना है। और इन्होंने नहीं खरीदे, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों लोग एक दूसरे को शॉपिंग करा देंगे, तो ये कह रहे हैं आज बहुत टाइम हो गया और मौसम भी खराब हो रहा था, तो मैं अगले दिन कभी ले लूंगा जाके। लाइट जलाओ, लाइट लाइट क्या अपने घर के अंदर रहेगी, बाहर का भी तो नजारा लाइट से दिख जाएगा। उधर दिखाओ, उधर वो तुम्हारे उल्टे आंख से दिखाओ। मेरे बर्थडे पे भगवान जी को सहित ना बारिश करी है झमाझम। बेडरूम की खिड़की से दिखाती हूँ, वहां से खुल जाता है ना, जाल नहीं है, अच्छा लग रहा है। बारिश देख के ना एक वो हो जाता है, देखो यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। लोगों को मैं देख रही हूँ बाइक में भीगते चले जा रहे हैं, वो जहाँ हम भी छोटे थे तो भीगने की परवाह नहीं रहती थी, लेकिन अब डर लगने लगा है कि भीगेंगे तो जुकाम हो जाएगी, भीगेंगे तो सर्दी हो जाएगी। मतलब देखा था बाइक तो छोटा है ना, हाँ, तो उसको भीगने दिया करो, क्योंकि जब तुम छोटी थी तब तुम भीगती थी, तब आयान फिर ये बोल ही नहीं पाएगा। तुम बोल रही हो, आयान कैसे बोल पाएगा जब हम छोटे थे तो हमको डर लगता नहीं था। हम मतलब ये सोचते थे ना कि स्कूल के टाइम पे अगर बारिश होने लगती थी ना, टीचर्स मना कर देते थे कि अंदर ही रहो, लेकिन हम सोचते थे ऐसे टाइम पे बारिश हो निकल जाए रास्ते में। मैं तो बहुत भीग लेता हूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं कभी भी वेट नहीं करता। तो भीग लेते हो, हमें अब डरने लगे। मैं देखते हुए आता हूँ, मैं कभी वेट नहीं करता, मैं कभी बरसाती नहीं पहनता। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ रहा हो ना, मचाओ ये भीड़ हो गई। लाओ नहीं केस नहीं रखते, बिजली कट गई। कैंसिल पार्टी, बट्टे कैंसिल। लाइट भी चली गई और ऐसा लग, बारिश नहीं हो रही है, तूफान आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लड़के चल अंदर, आयन चलो अंदर, मैं बढ़िया नई ड्रेस। हम टाइम से आगे नहीं फंस जाते हम लोग उधर, सही कह रहे हो, कार से भी नहीं गए थे, स्कूटी से गए थे। और मैं बढ़िया नई नई ड्रेस पहन रही थी, देखिए नया टॉप पहन रही थी बाहर जाने की तैयारी में। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ही।
बहुत तेज हो। चले जाओ चले जाओ, तुम बहुत शौक है, जाओ 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 जाओ। गाना गाओ के बादल यूं बरसता है, गाना गाओ गाओ। नहीं इस समय वो डर के ही गा रहा है, जैसे लोग डरते हैं तो हनुमान चालीसा नहीं जल्दी जल्दी गाने लगते हैं। पर मैं भी एकदम से बो हो गई। तो ये देखिए, मैंने ये टॉप थोड़ा सा ट्राई किया था, सलवार में ही पहन लिया है, ये ट्राई कर रही थी कि ठीक आ रहा है कि नहीं, तो अच्छा लग रहा था। आज बर्थडे है तो नेल पेंट भी लगाना चाहिए, तैयार होंगे ना, वैसे तो कभी टाइम मिलता नहीं है लगाने का। मैच के ये वाले एयररिंग्स में लेके आई हूँ, तो मैं यही पहनूंगी। तो इसमें कैसे लेके आ जाए यार, बारिश हो गई लेके आ जाइए। अम्मा का बर्थडे पहले ही किसी ने बना लिया है, ऐसा लग रहा है किसी ने पहले ही खा लिया है। तो ये आया है क्योंकि इसमें फ्रेश बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये हल्का सा ना ये सबसाइड हो गया है नीचे की तरफ। क्या हो गया? सबसाइड धस गया। लो यार देखो केंद्र जल्दी देखो। ओह तू डियर मम्मा और यू मम्मा मम्मी ब्रह्मा और अम्मा। तो ये लीजिए दोस्तों, बर्थडे का केक सबसे पहले आप लोग खाइए, क्योंकि इसमें आपका हक है। देखो ये मैंने ऐसे खाया है, अब डिफरेंस देखना, अब मैं इनको खिलाऊंगा देखना। मलाई नहीं अंदर का खिलाओ, इतना बड़ा नहीं। तुम खाओ सही, मैं डिफरेंस बताना जा रहा हूँ। हाँ दो जी बारह गई, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं खाते समय टंग बाहर नहीं निकालता हूँ। इसको अंदर आने दो, भागा नहीं जा रहा है, जी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर जाने दो, लेके आ रहा हूँ। तो परसों था मेरा जन्मदिन और रमा से मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवा ली थी, तो आज उसकी रिकवरी चल रही है। तो वही रिकवरी का अगला प्रोसेस है कि अभी मुझे जाना है बाहर, क्योंकि परसों बहुत मेहनत करी तो ऑब्वियसली आज तो इतना खाना नहीं बनेगा, तो आज बाहर खाने जाएंगे, उसके बाद देखिए भाई ये रिकवरी कहाँ तक आकर रुकेगी। मुझे मालूम है दो गुना रिकवरी तो ये करके ही रहती। चले आज तो अयान खाना खाने जा रहा है, फिर भी पानी की बोतल घर से लेके जाता है हमेशा जब भी ये बाहर जाता है, क्योंकि इसको हर दो मिनट में पानी पीना होता है, इसलिए मैं इसका पानी हमेशा साथ में रखती हूँ। और जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, देखिए बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन वहाँ पर हो गई थी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, तो वहाँ से हमें वापस आना पड़ा। देख देख के मन कर रहा है। यहाँ पे म्यूजिक इतना तेज है ना, म्यूजिक इतना तेज है कि ना मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर सकती हूँ और ना आवाज आएगी। तंदूरी चिकन है क्या? दोस्तों अभी ये नए रेस्टोरेंट में ट्राई करवाने ले गए थे, तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम तो बहुत बड़ा था, बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था, लेकिन वहाँ पर झींगो रिंगो सब मिल गए थे।
झींगा नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ सी फूड, सी फूड, हाँ सी फूड, वो झींगा इंगा जो होते हैं बड़े बड़े, तो जो लोग खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं खाते तो उनको तो बहुत दिक्कत होती है, तो मेरा मन पूरा अजीब हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे नॉनवेज मिलता है मैं वहाँ पे भी खा लेता हूँ, बट इनको क्या दिक्कत है, आजकल तो हर जगह नॉनवेज मिलता है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढते हुए फिर है ना, तो मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं मतलब बहुत स्टेट में काम किया, पहला स्टार्टिंग मैंने कलकत्ता से करी बंगाल में, तो इतना बाहर काम किया तो फिर इतना मतलब हो जाता है। बट इसको सी फूड से प्रॉब्लम थी, उसमें ज्यादातर वही सारी रेसिपी थी। मैंने बोला हमको तो वैसे भी वेजिटेरियन मंगाना है, वेजिटेरियन ऑर्डर कर लेंगे, बट फिर भी यार इनका बर्थडे है और फिर मैं रिस्क लेना चाह रहा था। अरे वो सब मतलब ये होता है ना किचन में की होती है, बनाते भी सब। तो मैंने इनसे ही पूछा कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, नहीं जरा भी मन में हल्का सा भी अगर डाउट हो रहा है तो कहीं और चलते हैं, तो फिलहाल जा रहे हैं कहीं और, फ्यूजन, फ्यूजन फूड्स। अरे भाई यह थाली हर जगह अवेलेबल नहीं है, मिलती है ऐसी बात नहीं, कहीं ना कहीं मिल जाती है। देखो तो अभी दूसरी जगह आके हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था, तो बिल्कुल खाली दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि पहले हम लोग वहाँ चले गए फिर इधर आए, और ये काफ़ी दूर भी था, तो यहाँ खाने में एकदम बनारसी आलू, एक पनीर की करी, जीरा राइस, रोटी, चावल, सब्जी, ये सारी चीज़ें ली, साथ में मैंने छाछ लिया था, क्योंकि कुछ ये मसाले वाली चीज़ें खाओ तो छाछ ठीक लगता है। बाद में बस हम लोगों ने सेक पिया और बस खा पी के हम लोग चले आए घर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए बर्थडे का डिनर। तो चलिए चलते हैं वापस घर, और इस वाले रोड पे तो रात में 1 बजे तक भी आप लोगों को लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, चहल पहल बनी रहती है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खाना पीना खा के, रात भी काफ़ी हो गई है, तो बस ऐसे ही कुछ निकला बर्थडे वाला दिन, थोड़ा खरीदारी की, उसके बाद में खाना खाने गए, थोड़ा सा छोटा मोटा केक काट लिया, और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, सबको भी बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। ऐसा तो बोलने नहीं जा रही हूँ, नया दिला दी तुम्हारा जन्मदिन है, ये इतने अच्छे अच्छे विशेस के लिए। और चलिए इसी के साथ अभी मैं जा रही हूँ इस वीडियो को एंड करने, क्योंकि जब मार्केट वगैरह जाते हैं थकावट हो जाती है, आज पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से वीडियो के साथ में, आप लोगों को बोलते हैं बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल, बोलो लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, स्लीप टाइट पापा, हैप्पी ड्रीम्स, स्लीप टाइट, ओके बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। मोमबत्ती लगा के फेंक दी।